बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि एंटस कंपनी का जो नेटवर्क एनालाइज़र है MPR 53, इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है किस तरह से की जाती है और इसके अंदर जो सीटीज के कनेक्शन है वो किस तरह से की जाती है। आज इसका टोटल जो कंट्रोल ऑपरेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो अभी उस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो टाइमली आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो व्यूअर्स, ये स्क्रीन पे आपको एंटस कंपनी का जो नेटवर्क एनालाइज़र है वो नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले इसकी कंट्रोल वायरिंग को डिस्कस कर लेते हैं। इसने कंट्रोल वायरिंग के डिफरेंट मैथड जो हैं वो एक्सप्लेन किए हुए हैं, लेकिन हम इसका वो मैथड जो एक्सप्लेन करेंगे जिसके अंदर इसके तमाम फंक्शंस जो हैं वो यूज़ में लाए जा रहे हैं। तो ये है वो मेथड, ये एनालाइज़र है, ये इसकी बैक साइड पे सारी इसकी कंट्रोल ड्राइंग की डिटेल है। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है वो हमने किस तरह से करनी है। सबसे पहले नीचे अगर देखें तो L1, L2, L3 और N लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पे भी L1, L2, L3, ये थ्री फेज सप्लाई है। तो L1, L2, L3 यानी थ्री फेज सप्लाई जो है इन पॉइंट्स पे कनेक्ट हो जाएगी। 7 नंबर पे L1, 8 नंबर पे L2 और 9 नंबर पे L3। और ये जो 10 नंबर पॉइंट है ये न्यूट्रल पॉइंट है, जो यहाँ पे इसने एम्प्टी छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करनी है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये थ्री फेज और न्यूट्रल का जो कम्बिनेशन है वो यहाँ से सप्लाई जो है वो मैयर करते हुए हमें डिस्प्ले पे शो करवाएगा। उसके बाद इसको ऑन होने के लिए 220 सप्लाई चाहिए, वो है 11 और 12 ऑपरेशन लिखा हुआ है एक्सिलरी सप्लाई। तो यहाँ पे हम इसे लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई देंगे जहाँ से ये हमारा एनालाइजर जो है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट है यानी इसे हमने जो है वो सीटीज के थ्रू जो सेंसिंग देनी है करंट की, जहाँ से इसने लोड मैयर करना है वो कहाँ से देनी है। तो ये देखें, ये ऊपर लाइन यानी L1 जो फर्स्ट लाइन है उस पर उसके ऊपर उसने एक सीटी डाली हुई है। उसके बाद L2 जो है वो उस पर एक सीटी डाली हुई है और L3 जो है वो इस पर एक सीटी डाली हुई है। तो सबसे पहले सीटी को डिस्कस कर लेते हैं कि सीटी क्या है। सीटी बेसिकली एक करंट ट्रांसफार्मर है। तो इसके दो पोर्शंस होते हैं, यानी एक इसका प्राइमरी पोर्शन है और एक इसका सेकेंडरी पोर्शन है। तो जिस तरह आपको लाइन पर नज़र आ रहा है, एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये है। तो ये बेसिकली ऊपर वाला जो पोर्शन है ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये नीचे जो पोर्शन है जहाँ से सेंसिंग ली जा रही है ये इसका सेकेंडरी पोर्शन है, और उसके दरमियान जो है वो आइसोलेशन है। इसी तरह यहाँ पे भी सेम केस है, यानी ऊपर प्राइमरी, दरमियान में आइसोलेशन और सेकेंडरी, प्राइमरी दरमियान में आइसोलेशन और सेकेंडरी, और ये जो सेकेंडरी साइड है इसको उसने एनालाइजर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सीटी का जो ओवरव्यू वो बताता हूँ। तो ये देखें, हार्डवेयर के अंदर जो सीटी है वो इस तरह से नज़र आती है। तो बेसिकली होता क्या है, ये होल जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, जो भी वायर जिसका हमने लोड मेजर करना है कि इस वायर में से कितना जो लोड है, कितना लोड चल रहा है इस वायर के ऊपर, इस केबल में कितना लोड पास हो रहा है, तो उसके लिए उस जो केबल है उसको हम इस होल में से गुजारते हैं। इस होल में से जब गुजारते हैं तो इसकी, इस सीटी के अंदर दो पोर्शन हैं। इसकी जो प्राइमरी साइड है वो उस करंट को मेजर करती है और फिर सेकेंडरी को बताती है कि हमारा जो करंट है इसके अंदर इतना चल रहा है। तो इसका कनेक्शन करने का तरीका कार ये है, इसका कनेक्शन करने का तरीका कार ये है कि इसके दो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये दो देखें ऊपर, ये सिल्वर कलर के अंदर दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। इसमें तो करना ये है कि एक साइड जो है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है और दूसरी जो साइड है उसको नेटवर्क एनालाइजर पर लगा दिया जाता है। तो ये सीटी का आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो मैं अब आपको वहाँ पर चल के इसकी वायरिंग समझाता हूँ। ये देखें, इसने यहाँ पे किया भी हुआ, यानी एक जो पॉइंट है वो डायरेक्टली उसने एक नंबर पे लगाया हुआ है और दूसरा जो पॉइंट है वो उसने दो नंबर पे लगा के उसको फिर ग्राउंड किया हुआ। ये देखें, ये डॉटर्स लाइन जो है ये ग्राउंड को शो कर रही है। इसी तरह नेक्स्ट अगर मैं तीन और चार यानी सेकंड जो सीटी है उसकी तरफ चलूँ, उसका भी एक पॉइंट उसने डायरेक्टली तीन नंबर पर कनेक्ट किया हुआ है और दूसरा जो पॉइंट है उसको जो है वो ग्राउंड करके ग्राउंड किया हुआ है। देखें, दूसरा पॉइंट चार नंबर पर लगा हुआ और साथ ही उसने उसे ग्राउंड भी किया हुआ है। इसी तरह तीसरी सीटी के केस के अंदर भी उसने एक जो पिन है वो पाँच नंबर पे लगाई हुई है और जो लास्ट वाली पिन है उसको उसने उठा के जो है वो ग्राउंड किया हुआ है।
उस तरह से इसके सीटी के कनेक्शन किए जाते हैं कि हमने जो है एक पिन डायरेक्टली एनालाइजर को दे देनी है और दूसरी पिन को जो है वो ग्राउंड करना है। तो इनको आप सेपरेट सेपरेट भी ग्राउंड कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर लें कोई मसला नहीं है, सेपरेट सेपरेट भी इसको ग्राउंड किया जा सकता है। तो व्यूअर्स इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत ही मज़े का फीचर है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें एक फ़ीचर है RS-485 का, यानी आप इसे RS-485 को यूज़ करते हुए इस नेटवर्क एनालाइजर के तमाम जो पैरामीटर्स हैं, तमाम जो वैल्यूज़ हैं, वो अपनी HMI की स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि RS-485 की कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से की जाती है। तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह जो है RS-485 को यूज़ करके हम इसका वोल्टेज, करंट और रनिंग एम्पेयर, किलो वाट्स जो है वो सारा डेटा हम डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर मैं इसकी प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग और इसकी कंप्लीट पैरामीटर की डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी पॉइंट की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो पेज पे मौजूद है। इसके अलावा व्यूवर्स, हमारे पास तमाम PLCs के ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं और इंस्ट्रूमेंट के हवाले से तमाम इंस्ट्रूमेंट की जो है वो स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जाती है। INBT जो है सोलर का VFD, उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।